अब देखिए कलयुग है ना, तो सभी विश्व के सारे धर्म के धर्माचार्य पीछे दिखाते हैं हमको। हम कहते हैं देखो राम ने किया, कृष्ण ने किया, वो लोग कहते हैं ईसा ने किया, मूसा ने किया, मोहम्मद ने किया, बुद्ध ने किया, महावीर ने किया, देखो पीछे देखो क्या किया। वो हम देख रहे हैं पीछे और चल रहे हैं आगे, देख रहे हैं पीछे चल रहे हैं आगे, ठोकर नहीं खाएंगे, गड्ढे में नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा। हमारा योग दर्शन कहता है आगे जो जा रहे हो कहाँ जा रहे हो। पातंजलि योग दर्शन कहता है ध्यान की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है। भौतिक साइंस ये मानती है जो शब्द बोला गया वो ब्रह्मांड में रहता है, नष्ट नहीं होता, मगर सुन नहीं पा रही है। हमारा योग दर्शन कहता है जब शब्द है तो बोलने वाला रहा होगा ना, उसको बोलते हुए देखा सुना जाना संभव है, वो तो पास्ट है, डन इज डन, वो अनडन नहीं हो सकता। अभी जो घटना नहीं घटी, अभी जो शब्द नहीं बोला गया उसको पहले सुना जा सकता, अभी जो शब्द बोला नहीं गया बोला जाएगा 10 साल बाद, 5 दिन बाद, घंटा भर बाद, वो पहले सुन जाएगा, और जो घटना नहीं घटी वो पहले दिख जाएगी। इस प्रकार आपने ध्यान की स्थिति में, ये तीसरे नेत्र से देखेगा, इन दो से नहीं देखेगा, ध्यान की स्थिति में देखेगा। तो आपने अपने कई परिचितों की मौत देख ली, भाई यूं तो मरे तो क्या पता कितना, जो आपकी जानकारी में जो आपके परिचित लोग हैं उनकी मौत देख ली, अंदाजन किस उम्र में होगी, एक्सीडेंट से होगी कि बीमारी से होगी, खतरे कैसे खतरे हो, जैसे टेलीविजन में दिख जाएगा जैसे मौत होगी, एक दो दो की दिखे तो टाल दो, 10-20-30 की दिखी तो फिर तो सोचना पड़ेगा जो दिख रहा है वो सत्य है, और कहीं गलती से ख्याल आ गया कि तू कौन सा अमर होगा है? तो दिख जाएगा कैसे मरोगे, दिख जाएगा कैसे मरोगे। अब दुनिया मरी अपना क्या लेने देना, खुद वाले मौत आई तो बस ले, सब जानते उन्हें मरना पड़ेगा, फिर डरते क्यों भाई। जो मौत से डरता है उसको छोड़ते नहीं, और जो नहीं डरता फिर उसको नहीं आती। तो इस प्रकार आप नाम जप और ध्यान करोगे और अपनी दो मौत दिख गई, तब फिर आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करोगे, या देखो हे प्रभु मैं तो नालायक था, कर दिया, जो गलतियां हो गई तो माफ करता हूँ, तो दयालु है। वो यहाँ बैठा है, पलक झपकते सामने आ जाएगा और उसके दर्शन होने का मतलब है ये जीवन आखिरी जीवन, समझे समझे। कबीर ने कहा है जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। आपको गृहस्थ जीवन जीते हुए हरि नाम जप से और ध्यान से ये परिवर्तन आ जाएगा, हर आदमी में आ रहा है। अब केवल हमारा दर्शन कहता है देख सकते हो अनलिमिटेड फ्यूचर को। अच्छा अब एक कबीर का उदाहरण और दे दूं, फिर आपको मंत्र दूंगा। कबीर ने इस शरीर को घड़ा कहा है, घड़ा मट्टी का घड़ा है, मट्टी का ही है सबका, ये तो फूटेगा। जल विच कुंभ विच जल है, बाहर भीतर पानी, पानी से भरा हुआ घड़ा पानी में रख दिया, घड़े के अंदर भी पानी बाहर भी पानी। जल विच कुंभ विच जल है, बाहर भीतर पानी, विघटा कुंभ जल जल ही समाना, ये गति विलन जानी। घड़ा गड़ जाए तो, फूट जाए तो, बाहर वाला पानी अंदर वाला पानी एक, तो भाई ये तो गड़ेगा, ये दोबारा नहीं बने, इसके लिए भगवान को जपो, समझे समझे। अब आप देखो योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण अपान समान उदान और व्यान। प्राणवायु जिसे आप ये स्वामी रामदेव योग वो प्राणायाम करवाता है, इसका रिजल्ट तो आगे जाके तो बहुत बुरा मिलेगा, मगर कर रहा ठीक है, राजनीतिक स्पॉन्सर कर रहे हैं।
मेरा स्पॉन्सर तो गंगा ही नाथ है। गुजरात में मेरे कहा जी और तो सब ठीक है, बिना स्पॉन्सर के कैसे चल रहा है। मैंने कहा ये गंगा ही नाथ करता, ये स्पॉन्सर करता है मेरा, समझे। तो पहला पैर फिर बंद लगेंगे तो कुंडली नीचे है, जैसे रॉकेट ऊपर जाता है स्पार्क से ऊपर उठता है। उनको थोड़ा एक मैं लौंग देता हूँ, लौंग लौंग ये मंत्र जो मंत्र बोला उसके तक की लौंग में डाली हुई मैंने। एक्चुअल कैसे उसका पेशेंट है वो दो तीन लौंग उसमें आपको घर के सब्जी में डाल दे पैंतालीस दिन तक और फिर टेस्ट करो। समाधि लग जाएगी, मगर समाधि लगने के लिए पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। कोई भी रोग रहेगा ध्यान रोग में जाएगा समाधि नहीं लग सकते, समझे। ने कहा योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर बल है, अमर बल। इससे साधक के त्रिविधि का आप शांत होते हैं, आदि देही आदि भौतिक आदि देही। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। फिजिकल और मेंटल को डॉक्टर किसी हद तक कैटल कर रहे हैं, स्पिरिचुअल में घबरा देते हैं। स्नायु मंडल को टच करता और डॉक्टर करता है, तो स्पिरिचुअल डिजीज का फिर स्पिरिचुअल इलाज होना चाहिए। अगर वो स्पिरिचुअल को मानते नहीं डॉक्टर तो मैटर ही मैटर तक उलझे हुए। मैंने अमेरिका में कहा मैटर प्लस स्पिरिट आज नहीं कल मानना पड़ेगा। अपने से आप विद्रोह कैसे कर सकते हो, तो इस प्रकार आप में परिवर्तन आएगा भाई। अब वो मंत्र बता दो फिर ध्यान कराऊंगा 15 मिनट, मगर मंत्र बताने से पहले एक बात सुन लो। राधा जी ने बोला ना अब कैसे टूटे नाम रट लग, किसकी रट लगी, राम की लगी कृष्ण की लगी, बोल रोग लगाई हुई थी बताया नहीं। इस तरह से मेरे में भी रोग थे जब तक गुरु थे। इस सिद्धांत है कि जो गुरु मंत्र देता है उसको बोल करके इशारे से किसी तरह से नहीं बता। हाँ निश्चित आदमी है उसको बता सकता हूँ, अनपढ़ है तो बता सकता हूँ। वो मंत्र में किताब एक पर्चा छपा हुआ है वो दूंगा आपको, उसको कोई देख रहे। अरे आपका नीति उसका बड़ा हो जाए कि प्रकार का बड़ा हो जाए कि इस तरह से मत बताना, होगा नहीं बना, उसका नहीं बना होगा ना आपका होगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर आज का टाइम खराब किया बेकार है। इसलिए सिर्फ उस नाम के अलावा जो कुछ हो रहा बताइए, विश्व में प्रचार कीजिए। ये नाम की महिमा है, ये कृष्ण के नाम की महिमा है। आज तो वो कथा अमृत पान करवा रहा है, दुनिया कथा अमृत पान करवा रही है सारे संसार के लोग। वो वास्तव में आपके अंदर है, ये बात तो बाकी योग दर्शन बताता है, ये तो शैव दर्शन है भाई। मैं कश्मीरी शैव सिद्धांत का प्रचार कर रहा हूँ, मेरा अपना कोई धर्म नहीं है। मैं तो एक हिंदू हूँ और एक भगवान वस्त्रधारीनाथ का चेला हूँ। आई पर देखे मेरे को जब नीचे उतरा तो कहने लगा भाई मैं सोच रहा था कि मैं बोल रहा हूँ, आज मैंने क्या बोला मुझे बताने में तालियां हमेशा से ज्यादा बची। तब उसने कहा मैं ये सोच रहा था कि मैं तो बोल नहीं बोल रहा था, ये तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोल रहे, मेरे को वो भ्रम नहीं है। रेलवे नौकरी करता था, फिर मैं तो रिटायरमेंट लिया, इसमें कोई रिटायरमेंट नहीं, उम्र जितने जिला रहूंगा इसकी नौकरी बदलनी पड़ेगी। तो इसकी कृपा है, ये बोल रहा है भाई मैंने बोलना। और वो मंत्र बता दूं मैं आपको, फिर पर्स से बांट लें लड़के आपको पर्चा बोल दिया, ऐसी बात नहीं। 99 में मैं मुंबई था, मलानी एक बुद्धे पंडित जी आ गए, बेटे बेटे चलो गुरु जी चले लो, हम बॉम्बे माया नगरी है वहां पर ऐसा कर रहा, राम को कौन पूछता।